हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम निशान जाहर। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में, इसका नाम है बुलियन मैट्रिक्स। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। दो अप्रोचेस के साथ इसको सॉल्व करेंगे, एक थोड़ी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि बुलियन मैट्रिक्स दे रखे। बुलियन क्या होता है? तुम्हारा जीरो या वन। तो इसमें जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, या तो वन दे रखा है जीरो दे रखा है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे किसी भी एक सेल में वन है तो उसकी पूरी ith रो और jth कॉलम को तुम्हें वन कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं तुम्हें। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखा है ऐसे, तो जब इसका आउटपुट आएगा ना, तो इसकी ये जहाँ पे भी हमें वन मिला, इसकी पूरी ith रो मतलब jth कॉलम और ith रो को वन कर देना है। सिमिलरली हमें यहाँ पे मिला तो इसकी इसको पूरे को और इसको वन कर देना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। ये ऐसे तुम्हें आउटपुट देना है। इसको करने के दो तरीके हैं, मतलब तरीके और भी हैं। आज की वीडियो में हम दो तरीके सॉल्व करने वाले हैं, दो तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, अगर तुम्हें याद हो तो, जिसमें हमने एक टेम्प्रेरी मैट्रिक्स बनाया था। टेम्प्रेरी मैट्रिक्स बना के चेक करा था कि अगर ऐसा हमें आ रहा है जिसमें हमें कहीं पे भी अगर जीरो दे रखा था तो उसके चारों तरफ के नंबर्स को जीरो कर देना था एंड उन सबका सम यहाँ पे डाल देना था। राइट, समथिंग सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा सा सेम ही है, बट इसकी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट थी, इसलिए वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको करने का एक पहला जो तरीका है तुम्हारा, वो ये है। जैसे हमने यहाँ पे टेम्प्रेरी मैट्रिक्स बनाया था, तो हमने एक टेम्प्रेरी मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने बोला ये टेम्प्रेरी मैट्रिक्स, हमने इसको कॉपी कर लिया, ये हमारा टेम्प्रेरी मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा मेन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम जाके चेक कर सकते हैं टेम्प्रेरी मैट्रिक्स पे एक पोजीशन पे, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, लूप लगा के अगर हमें यहाँ पे वन मिला तो उसके पूरे एक ith रो में लूप लगा लिया और jth मतलब jth कॉलम में और ith रो में लूप लगा लिया और सबको वन करके आ गए। सिमिलरली ऐसे फिर से इस टेम्प्रेरी मैट्रिक्स में हमने ढूंढा, ठीक है, इसमें टेम्प्रेरी मैट्रिक्स में फिर से वन ढूंढा और सेम चीज़ कर दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना हमारे तीन लूप्स लग रहे हैं। ठीक है, कैसे लग रहे हैं, जैसे पहला लूप तो तुम्हें हर इंडेक्स पे जाने के लिए चाहिए होगा, राइट। जैसे हम भी मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करते हैं तो हम दो लूप लगाते हैं, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो से आई लेस देन रो तक, और फिर जे इज इक्वल्स टू जीरो से जे इज लेस देन कॉलम तक, राइट। उसके बाद हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा, जैसे हमें वन मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो लूप्स और लगाने पड़ेंगे जहाँ पे हम पूरी रो को और पूरे कॉलम को वन वन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, एन रेज़्ड पर थ्री हो गई, प्लस हम स्पेस भी ज़्यादा ले रहे हैं, स्पेस भी हम एन स्क्वायर ले रहे हैं, राइट। हम एक और मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी कर रहे हैं तो हमारी स्पेस भी ज़्यादा ले रहे हैं। एक बार इस वाले मेथड को ना सॉल्व करके सबमिट करके देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है। इसको एक बहुत मस्त सी ट्रिक है, उससे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी और स्पेस भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने क्या करा, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और बोला कि यहाँ पे लूप लगा देते हैं, रो कॉलम बना लेते हैं, ऐसे रो और कॉलम का साइज निकाल लेते हैं हम। ठीक है, रो निकाल लिया हमने और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमने चेक करा इफ टेम्प ऑफ आई कॉमा जे इज डबल इक्वल्स टू वन, तो हम क्या करेंगे, के इज इक्वल्स टू जीरो से के इज लेस देन रो तक कॉमा के प्लस प्लस, हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ रो, एक कॉलम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हम रो इंक्रीज कर रहे हैं तो के कॉमा जे कांस्टेंट इक्वल्स टू वन कर दिया हमने। सिमिलरली ये करने के बाद हमें फिर से एक बार ही करना पड़ेगा अपने कॉलम के लिए, तो यहाँ पे आई कांस्टेंट रहेगा और तुम्हारा कॉलम वाली चीज़ इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये कर दिया, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे तुम कंपाइल करके टेस्ट करके दिखाते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना हमने वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना है, हमने वेक्टर बना दिया, कह रहा है भाई तू वेक्टर में कॉपी कैसे कर सकता है, कुछ नहीं करते हैं, फिर से करके कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, जो चाहिए था वो आ गया, बट सबमिट करेंगे तो इसमें हो सकता है कि TLE आ जाए, TLE नहीं आया यार इसमें, तो इनको बोलना पड़ेगा GFG वालों को कि भाई अपने थोड़े टेस्ट केसेस सुधारें। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन भेजता हूँ मैंने अलग से, बट इसको इम्प्रूव करने का एक तरीका देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो ना तीन लूप्स लग रहे हैं, मतलब एक उसमें तीन बार जा रहा है, तो n रेज़्ड पर 3 की कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम एक चीज़ करें कि यार ये दो एक पूरा मैट्रिक्स कॉपी करने की जगह बस हम दो वेक्टर्स कॉपी कर लें, वेक्टर्स ले लें, एक रो का वेक्टर ले लें और एक कॉलम का वेक्टर ले लें, और हर आई पे जैसे आई कॉमा जे पे अगर हमें वन मिल गया एक मैट्रिक्स के,
तो हम क्या करें, उसके रो के ith जगह पे हमने 1 डाल दिया और कॉलम के ith जगह jth जगह पे 1 डाल दिया। और फिर से हमने मैट्रिक्स को ट्रैवर्स किया, हमने चेक करा कि क्या रो के ith पोजीशन पे 1 है या फिर कॉलम के ith पोजीशन पे मतलब jth पोजीशन पे 1 है। अगर ऐसा मिल रहा है हमें तो क्या करो, उस मैट्रिक्स के उस पोजीशन को 1 कर दो और बस तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको पहले कोड कर देता हूँ जल्दी से और फिर तुम्हें समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, हमने बना लिया अपना रो, ऐसे इनिशियलाइज़ करते हैं वेक्टर को। हमें यहाँ पर रो कॉमा 0 चाहिए, सब कुछ 0 से इनिशियलाइज़ कर देना। और दूसरा हमें चाहिए कॉलम और यहाँ पर अच्छी सी कॉमा 0। ठीक है, अब ये सब करने की जगह हमें पहले एक बारी ये चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स 1 है तो रो ऑफ आई को हमने 1 कर दिया, कॉलम ऑफ जे को हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब हमने फिर से क्या करा, इसको ट्रैवर्स करा, कॉपी कर लेते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं। और क्या करा हमने, चेक कर लिया कि अगर रो की वैल्यू, और यहाँ पे बस हम चेक करेंगे कि अगर रो ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू 1 या फिर और कॉलम ऑफ जे इज डबल इक्वल्स टू 1, अगर कोई भी चीज़ एक भी 1 होता है तो मैट्रिक्स को उसको 1 कर दो। और तुम अब देखो कंपाइल करके टेस्ट करेंगे और हमारा चल जाएगा। ठीक है, चल गया, सबमिट करेंगे तो उससे पिछले वाले से कम टाइम में चलेगा ये, उसमें 0.7 समथिंग टाइम आ रहा था और देखो तुम्हें इसमें 0.32 कुछ टाइम आ रहा है और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। इसमें हम एग्जैक्टली हमने क्या किया यार, जो हम यहाँ पे टेम्प में चीज़ स्टोर कर रहे थे ना, जैसे 3x3 का बनाया, तो हमने क्या बनाया, 3 का एक वेक्टर बना लिया। ठीक है, रो के लिए, कॉलम के लिए, ये तुम्हारा रो के लिए और ये तुम्हारा कॉलम के लिए, ये 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है। तो हमने देखा 0.0 पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे तुम्हारा 1.1 पे 1 है, ये मतलब ऐसा बाई चांस हो गया, 1.1 पे भी हमने 1 रख दिया और यहाँ पे हमने 0 डाल दिया, तो हमारे रो और कॉलम का ही ऐसे वेक्टर्स बन गए। अब हमने क्या करा, हमने बस गए बारी बारी, हर पहले ये फिल करने के बाद हमने चेक करा क्या रो और कॉलम पे 1 रखा है, अगर किसी पे भी 1 रखा तो हमें उसकी पूरी रो और कॉलम को 1 कर देना है, राइट। तो हम जाके बस यही चेक कर रहे हैं कि अगर इस वाले पोजीशन पे रो पे या कॉलम पे 1 है तो इस वाले लाइक मैट्रिक्स में तुम्हें उस सेल को बस 1 कर दो। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं है। तो अगर तुम्हें ये अभी भी समझ नहीं आता तो पेन पेपर लेना, ठीक है, एक आधा टेस्ट केस और ट्राई करके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे ये वाला टेस्ट केस है, इस वाले टेस्ट केस को रन करके देख सकते हो, करके दिखा देते हैं चलो इस वाले को, ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये तुम्हारा 4x3 का है। तो ठीक है, हमारे 4x3 का रो कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 रो बनेंगी, ये हमारा रो बन गया और ये हमारा कॉलम बन गया। ठीक है, हमारा रो वाला बन गया और ये हमारा कॉलम वाला बन गया। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हम ऐसे ऐसे जाते हैं, तुम्हें पता है ना ऐसे ट्रैवर्स होता रहता है। तो हम यहाँ पर गए 0.0 पे हमें 1 मिल गया, तो हमने दोनों में 1 डाल दिया। ठीक है, फिर हम आगे गए, यहाँ पे 0 मिला तो नहीं डाला, यहाँ पे 0 मिला, फिर यहाँ पे फिर से 1 बन गया। ये क्या है तुम्हारा 0.1 1.0। ठीक है, तुम्हारी रो इज़ 1 एंड तुम्हारा कॉलम इज़ 0। ठीक है, तो तुम्हारे रो इज़ 1, 1 पे 1 डाल दिया एंड कॉलम इज़ 0, तो वो पहले से यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर आगे गए फिर यहाँ पे मैं फिर से मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिल गया, हमें रो तुम्हारी 2 पे भी 1 मिल गया और कॉलम 0 पे भी 1 मिला हुआ, तो 0 पे भी 1 पड़ा है। उसके बाद हमें कहीं 1 नहीं मिला तो हमने बाकी सब पे 0 डाल दिया। ठीक है, इससे हमने अपने पॉपुलेट कर लिए रो और कॉलम वाले वेक्टर्स। फिर से हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, हमने कहा गया 0.0 पे गए और चेक किया क्या यहाँ पे 1 पड़ा है, दोनों में से किसी पे, दोनों पे 1 पड़ा है, राइट, यहाँ पे दोनों पे 1 पड़ा है और पहले से 1 है तो कुछ नहीं करा। नेक्स्ट पे गए हम 0.1 पे, यहाँ पे हमने देखा 0 है, तो यहाँ पे हमने देखा या तो तुम्हारे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक करा या तो तुम्हारे कॉलम में 1 में 1 पड़ा होना चाहिए या फिर तुम्हारे यहाँ पे 0 पे 1 पड़ा होना चाहिए। तुम्हारे 0 पे यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करा इसको भी 1 कर दिया। फिर यहाँ पे गए 2 पे हमने चेक करा 0 पे, फिर यहाँ पे 1 पड़ा हुआ था, ठीक है, तो हमने इसको 1 कर दिया। ऐसे करते गए, फिर यहाँ पे हमने देखा क्या 1 पे ये रोथ 1 है ना, इसको और इसको हमें 1 करना है, तो यहाँ पे फिर से 1 कर देंगे, फिर यहाँ पे फिर से 1 कर देंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे 3 पे या फिर 0 पे पड़ा है, तो यहाँ पे तुम्हारे 0 है कॉलम पे पड़ा है तो इसको 1 कर देंगे। तो ऐसे हमारा पूरा मैट्रिक्स 1 हो जाएगा और ये लास्ट में 0 बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे 1.3 पे, ठीक है, तुम्हारे ना इसके 3 पे 1 है, ना इसके 1 पे 1 है, राइट, और ना इसके तुम्हारे 3.2 दोनों पे 1 नहीं है,
तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा, तुम चेक कर सकते हो, यही तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो आई होप तुम्हें पूरी अप्रोच समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।